वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं या आप कॉमर्स, फिनांस, अकाउंट्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर किसे कहते हैं और काइंड्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कितने प्रकार का होता है। जब भी लोग जनरली फर्स्ट टाइम जब आप सुनते हैं शेयर वर्ड तो आपके मन में आता है शेयर जंगल वाला से, या आपका आपका क्या बोला जाता है सर्कस वाला शेर। कि शेर किसे कहते हैं, एक होता है आपका जंगल वाला और एक और होता है आपका सर्कस वाला। मैं उस शेर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स। किसके बारे में? शेयर्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश या टुकड़ा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आपका ये जो कौन है आपका शेर किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए, किसी भी बड़े चीज को छोटे 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 यूनिट में जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं वो छोटा यूनिट ही क्या कहलाता है? शेयर्स। एक बार फिर से, किसी भी बड़े चीज को जब हम छोटे 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 यूनिट में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं तो छोटा यूनिट ही क्या कहलाता है? मेरा शेयर्स। देखिए फॉर एग्जांपल, हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज का एक नोट है। हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज का क्या है? एक नोट है। मेरे पास क्या है? 100 रुपीज का मेरे पास क्या है? एक नोट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो 100 रुपीज का नोट है इसको हम क्या करेंगे, छोटे 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 यूनिट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि एक छोटा मैंने यूनिट लिया कितने का? 10 रुपया का। कितने का? 10 रुपया का। ये जो 100 रुपीज का नोट है इसको हम 10 रुपया वाला क्या करेंगे, यूनिट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितने आपका यूनिट बनेंगे, कितने टुकड़ा बनेंगे, कितने डिवाइडेड होंगे? 10। देखिए पहला हो जाएगा कौन सा आपका, पहला हो जाएगा कौन सा आपका? 10 रुपया, राइट। फिर हो जाएगा आपका 10 रुपया, फिर हो जाएगा आपका 10 रुपया, फिर हो जाएगा आपका 10 रुपया। लिखते जाइएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? 10 रुपया, फिर क्या हो जाएगा आपका? 10 रुपया, फिर क्या हो जाएगा आपका? 10 रुपया। फिर काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर बनेगा मेरा 8, फिर 9 और फिर बनेगा मेरा 10, राइट। तो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी जो आपका 100 रुपीज था, जो 100 रुपीज था उसको मैंने क्या किया, 10 यूनिट्स में क्या किया, डिवाइड किया, 10 टुकड़ा में क्या किया, मैंने उसको तोड़ा। देखिए पहला हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो 100 रुपीज को मैंने क्या किया, 10 यूनिट्स में जब 10 टुकड़ा मैंने क्या किया, तोड़ा। तो जो एक एक टुकड़ा टूटा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर्स। क्या बोलेंगे हम इसको? शेयर्स। जब किसी भी बड़े चीज को छोटे 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 यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो छोटा यूनिट्स में क्या कहलाता है आपका? शेयर, राइट। देखिए शेयर्स का हिंदी क्या होता है? अंश। शेयर्स का हिंदी क्या होता है आपका? शेयर्स का जो हिंदी होता है ना वो क्या होता है आपका? अंश। अंश मतलब क्या होता है? टुकड़ा। अंश मतलब क्या होता है आपका? टुकड़ा बोल सकते हैं, राइट। तो जब किसी भी बड़े चीज को छोटे 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 पार्ट्स में या यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं वो छोटा यूनिट क्या कहलाता है? मेरा शेयर्स, अंश या टुकड़ा। अब जैसे मान लेते हैं 100 रुपीज था, इसको हम 5 टुकड़ा में तोड़ना चाहें, कितना टुकड़ा में तोड़ना चाहें? 5 टुकड़ा में, और सेम आपका वैल्यू का। तो कितना कितने का बनेगा आपका? 20-20 का। कितने का बनेगा? 20 का, फिर बनेगा 20 का, फिर बनेगा 20 का, और फिर बनेगा 20 का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 100 रुपीज को जब हम लोग 20-20 के आपका यूनिट में तोड़ना चाहे तो कितना टुकड़ा बना मेरा? 5। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? शेयर्स। ये क्या कहलाएगा? मेरा शेयर्स। ये 100 रुपीज का सब अंश है ना। अगर हम मान लेते हैं इसको 5-5 रुपए वाला टुकड़ा में तोड़ना चाहे तो कितना टुकड़ा बनेगा मेरा? 20 टुकड़ा। 5-5 रुपए वाला टुकड़ा में तोड़ना चाहे तो कितना बनेगा मेरा? 20 टुकड़ा, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर्स किसे कहते हैं। किसी भी बड़े चीज को जब हम लोग छोटे 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 यूनिट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो छोटा यूनिट ही क्या कहलाता है? मेरा शेयर्स, अंश या टुकड़ा, राइट। लेकिन हम लोग को सीखना क्या है? कंपनी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कंपनी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान सुनिए, कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी का जो आपका कैपिटल है,
कंपनी का जो आपका कैपिटल है, जब उसको हम लोग छोटे 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 यूनिट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो छोटा यूनिट से क्या कहलाता है, मेरा शेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कैपिटल है, किसी भी कंपनी का कैपिटल मान लेते हैं कितना है आपका, 1 लाख। कितना है आपका, 1 लाख। ये 1 लाख जो कैपिटल था, इसको हमने क्या किया कि 10,000 टुकड़ा में तोड़ा। कितना टुकड़ा में तोड़ा, देखिए 10,000 शेयर्स एट रेट ऑफ 10 ईच, राइट। तो हमने क्या किया, 10,000 शेयर्स जो आपका था, ये जो आपका 1 लाख रुपया था, इसको 10,000 टुकड़ा में मैंने क्या किया, तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, और एक टुकड़ा कितने का है मेरा, 10 का। तो आपका देखिए 10,000 गुना 10 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, आपका 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, 1 लाख। 1 लाख हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, शेयर कैपिटल। क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। तो ध्यान सुनिए कि अकॉर्डिंग टू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स किसे कहते हैं। तो बोलता क्या है कि जब कंपनी के कैपिटल को छोटे 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 टुकड़ा में क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसी जो डिवाइड किया हुआ जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, शेयर्स। ऐसे देख लीजिए, 1 लाख था, हमने क्या किया, 10,000 शेयर्स को आपका 10 रुपया वाला टुकड़ा में तोड़ दिया, तो 10,000 गुना 10 कितना हो जाएगा मेरा, 1 लाख। यानी 1 लाख को 10,000 शेयर्स में मैंने क्या किया, डिवाइडेड कर दिया। ये जो 10,000 शेयर्स कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, यूनिट क्या कहलाएगा मेरा, शेयर्स, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर्स किसे कहते हैं। देखिए मैंने लिखा भी क्या है, अ शेयर इज रेफर टू एज अ यूनिट। शेयर्स क्या है मेरा, शेयर्स क्या है मेरा, एक यूनिट है। क्या है, एक यूनिट है ऑफ ऑनरशिप। जिसके पास भी शेयर्स होगा, याद रखिएगा, जिसके पास भी शेयर्स होगा वो कंपनी का क्या कहलाएगा, ऑनर। क्या कहलाएगा मेरा, ऑनर, मालिक कहलाएगा जी, ठीक है। तो आपका बोलता है विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल। अरे कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी का जो कैपिटल है वो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा। तो जो आपका यूनिट होगा या डिवाइड करने वाला जो टुकड़ा होगा, पार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर्स। देख लीजिए 1 लाख था आपका कंपनी का कैपिटल, उसको 10,000 वाला टुकड़ा में मैंने तोड़ दिया, एक टुकड़ा का वैल्यू कितना है, 10। तो ये जो आपका कहलाएगा 10,000 टुकड़ा, ये क्या कहलाएगा मेरा, शेयर्स, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि आपका शेयर्स किसे कहते हैं। एक बार फिर से, जब कंपनी के कैपिटल को छोटे 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 यूनिट्स में क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसी आपका यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स, राइट। अब देखिए जो आपका शेयर्स है, जो शेयर्स है, शेयर्स आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। शेयर्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। वो वाला नहीं कि एक जंगल का शेर और एक क्या होता है आपका, सर्कस का शेर, वो वाला नहीं। अकॉर्डिंग टू कंपनी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी जो आपका शेयर्स होता है ना, वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स और एक क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। तो आपका शेयर्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक है आपका प्रेफरेंस शेयर्स और एक क्या आपका, इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स। अब सवाल उठता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए, वैसा शेयर्स जिस पे डिविडेंड पाने का पहले राइट्स मिलता है, वैसा शेयर्स जिसमें शेयर्स होल्डर को डिविडेंड पाने का पहले राइट दिया जाता है, उसे हम लोग कौन सा शेयर्स बोलते हैं, प्रिफरेंस। देखिए प्रिफरेंस का हिंदी क्या होता है, पूर्वाधिकार। पूर्वा मतलब क्या हुआ, पहले, जिसको पहले अधिकार मिलता है, क्या पाने का, डिविडेंड पाने का। क्या पाने का, डिविडेंड। क्या पाने का, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश। लाभांश किसे कहते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। बोलता है कि जो भी आपका शेयर होल्डर शेयर्स लेता है और शेयर्स लेने के बदले में कंपनी द्वारा जो प्रॉफिट के तौर पर पैसा दिया जाता है शेयर्स होल्डर्स को, उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, राइट। क्योंकि जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर्स लिया है, वो कंपनी में पैसा लगाया है, तो कंपनी उसको क्या देती है, डिविडेंड। क्या देती है, डिविडेंड, राइट। तो बोलता है वो ऐसा शेयर्स जिसपे डिविडेंड पाने का पहले राइट्स मिले। प्रिफरेंस मतलब क्या हुआ, पूर्वाधिकार। जिसको पूर्वाधिकार मिले, पहले अधिकार मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिफरेंस शेयर्स। और प्रिफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद जिस शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। यानी पहले डिविडेंड जिसको मिलता है जिस शेयर्स पे, उसे प्रिफरेंस शेयर्स। और प्रिफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद जब आपका प्रॉफिट का पैसा बचता है, तो जिस शेयर्स वाले को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स। और भी इसका कुछ डिफरेंसेस है, जैसे प्रिफरेंस शेयर्स वालों को आपका कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं है।
प्रेफरेंसेस वाले को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का आपका राइट नहीं है, इक्विटी शेयर्स वाले को है राइट। उसके बाद बोलता है कि जब कंपनी का मान लेते हैं वाइंड अप होता है, कंपनी का समापन होता है, तो सबसे पहले आपका प्रेफरेंसेस वाले को कैपिटल मिलता है। किसको मिलता है? प्रेफरेंसेस वाले को कैपिटल मिलता है। और प्रेफरेंसेस वाले को कैपिटल मिलने के बाद अगर पैसा बचता है तब किसको मिलता है? इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स वाले को राइट। और देखिए कंपनी का जो एक्चुअल मालिक होता है, जो मेन मालिक होता है, वो कौन होता है? इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर वाला राइट। अब प्रेफरेंस शेयर वाला भी कंपनी का मालिक है, लेकिन मेन मालिक कौन होता है? इक्विटी वाला। और उसके बाद कौन होता है आपका? प्रेफरेंस शेयर वाला राइट। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपका शेयर किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया कि आपका शेयर दो प्रकार का होता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो अगर अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं, थैंक यू।